हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं शिवम उपाध्याय आपका एक्सपर्ट हम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूं और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? फिर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, व्हेन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक electrostatic force on the small sphere of charge 0.4 microcoulomb on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb due to another charge sphere of radius, another charge sphere of charge minus 0.8 microcoulomb, and in air, ठीक है, यदि वह is 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है, दो चार्ज स्फीयर, एक आपका 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा हमारा क्या है 0.8 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना दिया हमको 0.2 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर, निकालना है रेडियस, सॉरी क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो What is the distance between two spheres? ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है what is the force on the second sphere due to the first? तो what is the force on the second sphere due to the first? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चार्ज, इस पे दो चार्ज दिए हुए हैं हमें, हमें उनके बीच की फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये हमारा एक चार्ज स्फीयर है और दूसरा हमारा ये चार्ज स्फीयर। ठीक है, इस पर कितना चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इस पर कितना है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। इनका सेंटर हमेशा जो डिस्टेंस होती है उनके सेंटर से होती है, ये डिस्टेंस हमें आर निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, यही डिस्टेंस आर हमें क्वेश्चन पे निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें q1 q2 गिवन है, ठीक है, q1 q2 गिवन है, 0.4 0.8 आर हमें नहीं गिवन है, यही हमें निकालना है। इसकी वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है 9 N/9 और फोर्स हमें दिया है 0.2 न्यूटन। तो हम रखते हैं सारी वैल्यूज, यानी 0.2 या आपका 9 × 10^9 इनटू, ठीक है, चार्ज कितना लिखा हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, तो उसको माइक्रोग्राम में किसमें कन्वर्ट करेंगे, कूलम्स में, यानी 0.4 × 10^-6 इनटू 0.8 × 10^-6। अरे देखिए, ये चार्ज हमारा माइनस का था, हमने माइनस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि रीजन भी फोर्स हमेशा कैसा होता है, फोर्स का हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां पर हम चार्ज का साइन नहीं लेते, अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर इसको उधर बुला, इसको उधर बुला लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10^9 × 0.4 × 10^6 इंटू 0.8 × 10^-6 अपॉन 0.2। ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है, 2 × 4, ठीक है, यानी आर स्क्वायर आपका कितना आ गया, क्या आ गया आपका 9 × 2 × 0.8 ×। अब देखो पावर सॉल्व कर लेती है, 10^9 लिखा हुआ है, ये ऐसा आपको शायद लग ना रहा हो, ये लिखा हुआ है 10^9, ये 10^9 10^-6
और 10 पावर माइनस 6, तो 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 6 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 10 पावर माइनस 12 और ये 10 पावर 9 से घट जाएंगे, यानी 10 की पावर माइनस 12 प्लस 10 की पावर 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका कहना है 9 इंटू 8 को लिख लेते हैं, यहां से पॉइंट हटा लीजिए तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 ऊपर आएगा तो यही 10 आपका ऊपर आ जाएगा, जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस में और हो जाएगा, यानी 9 इंटू 2 इंटू 8 ठीक है इंटू 10 पावर ये कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 और 3 12 और ये भी ऊपर आएगा तो माइनस का 1, यानी कितना आ गया आपका 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, आगे थोड़ा जरा देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मेरा तरीका क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 टू 16 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब यहां से देखिए स्क्वायर हटा दीजिए तो यहां क्या आ जाएगा रूट टू, तो सॉल्व कीजिए आर कितना आ गया 9 का स्क्वायर में 3 आएगा और 16 से क्या बार आएगा 4, और 10 पावर माइनस 2 है तो 10 की पावर कितना आएगा माइनस, मतलब 4 है तो कितना बार आएगा 2, तो कितना आएगा 4 3 सा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर्स, यानी हमारा आर कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बताना है, सेकंड पार्ट में बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट, तो सेकंड स्क्वायर पे फर्स्ट के द्वारा कितना फोर्स लग रहा था। एक चीज सोचने वाली क्या है कि हमने जो है न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन का थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसका मतलब जब ये इसको सॉरी ये प्लस है, जब ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर हम इसको वन ए और इसको बी करेंगे यानी जो फोर्स ए बी होगा ठीक वो बराबर होगा किसके माइनस टाइम्स फोर्स बी ए, ये बात समझ आ रही है भाई, यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यानी ए वाली बॉल बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो माइनस टाइम्स, यानी माइनस का मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, भाई करेगा नहीं करेगा न्यूटन का लॉ, तो ये क्या होगा माइनस टाइम्स बी, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट, तो वो कितना होगा आपका जो था यानी जो फोर्स हमने भी निकाला था यानी 0.2 न्यूटन जो भी गिवन है फोर्स वही रहेगा और दोनों पर फोर्स क्या होगा बराबर, यानी जो फोर्स हमारा था कितना होगा आपका 0.2 न्यूटन ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्लियर, ठीक है चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स, ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर टू, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, ठीक है हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, हैज सेपरेटेड इट देयर देयर सेंटर्स by a distance of 50 centimeters, ठीक है by distance of 50 centimeter, कह रहे what is the mutual force of electrostatic repulsion, क्या पूछे थे force of repulsion if the charges on each is 6 into 10 power minus 7, कह रहे if the charge on the square is 6.7 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम ईच, ठीक है 6.7
6 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब ईच। तो ठीक है, हमें पूछ क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये फर्स्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहे व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और हमसे सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज स्फीयर इज डबल द अमाउंट, व्हाट इज द फोर्स इफ चार्ज इज डबल, चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बी हाफ। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, चार्ज स्फीयर है ए और बी, जिन पे दोनों पर दोनों पीछे कितना डिफरेंस 50 सेंटीमीटर का, उसमें चार्ज कितना दिया हुआ 6.7 × −7 कूलम्ब्स। ठीक है, हमसे पूछे व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। भाई देखिए, सोचने वाली बात क्या है कि यहां पर दो चार्ज स्फीयर हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये हमारे दो चार्ज स्फीयर हैं, मान लेते हैं कि हमारा ए और ये बी, इनके बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चार्ज कितना दिया है 6.7 × 10⁻¹ कूलम्ब, और 6.7 × 10⁻¹ कूलम्ब। देखिए, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ही तो होगा, ये बात तो क्लियर है, क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यानी F इक्वल टू ए पार्ट में क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε₀Q1Q2r²। ठीक है, क्लियर, क्यू हमें दिया होगा, तो ये हमें सेंटीमीटर में दिया, हम इसमें लेते हैं मीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे 0.50 मीटर। ठीक, तो इसको हम किसमें लिखेंगे, मीटर्स में, तो रेडियस जो होगी आपकी मीटर्स में कितनी हो जाएगी 0.50 मीटर्स। तो यहाँ रखते हैं, यानी 9 × 10⁻¹⁷ × 6.7 × 10⁻¹⁷ का होल स्क्वायर अपॉन 0.50 का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर क्यों लिख दिया, Q1 Q2 बराबर है ना, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर लिखते हैं, तो Q1 लिखते फिर Q2 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 9 × 10⁻¹⁹, ठीक है, इंटू 10⁻¹⁹ देखिए तो 6.7 × 6.7 तो रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए 10⁻¹⁷ × 10⁻¹⁷ कितना, 10⁻¹⁷ × 2 कितना, 10⁻¹⁴। ठीक है, अपॉन 0.50 × 0.50। ठीक है, देखिए पॉइंट कैसे कर दी, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, ये पॉइंट कटा, ये पॉइंट कटा, तो यहाँ पे भी एक जीरो, ये वाला जीरो इससे और ये वाला जीरो इससे भी इससे। ठीक है, बचा गया 9 × 67 × 67 अपॉन 5, ये भी जीरो तो कटेगा, 5 × 5, ठीक है, इंटू 10⁻¹, तो 10⁻¹⁴ है, ये 10⁻¹⁹ है, तो क्या है माइनस होगा, 10⁻¹⁵ आ गया। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अब देखिए ये इक्वेशन बच गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए मैं करता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 9 × 67 × 67 / 25 × 10⁻¹⁵। ठीक, ये वैल्यू आ गई, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो 67 × 67, ठीक, 67 × 67 = 49 × 9 = 4 7 6 6 9 = 42 42 × 46 46 × 36 36 × 40। ठीक, यानी 9 8 4 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 9 × 4 4 8 9 / 25 × 10⁻¹⁵। चलिए हम इसको फोन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, बट आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखिए 9 × 67 × 67 / 25, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपका आ जाएगा 1616 इनटू 10 की पावर -5 न्यूटन्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में ये फोर्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई आपको कि ये क्या आ जाएगा हमारा फोर्स आ जाएगा। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना, देखो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं तो फोर्स का चार्ज को क्या कर दे, डबल कर दे, और जो हमारी रेडियस है यानी ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको हाफ कर दिया जाए, ठीक है। यानी F is equal to क्या होता है आपका फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है, इनटू चार्ज को क्या कर देंगे डबल, यानी 2q × 2q, और रेडियस को क्या करते हैं इन्होंने हाफ, है ना, यही तो किया इन्होंने। मैं फॉर्मूले में क्या चार्ज को डबल कर देता 2q, इसको भी डबल कर दिया तो 2q, इसको हाफ कर दे तो r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 1/4πε0 × 4q² / r² / 4, ये फोर उठ के यहां आ जाएगा, यानी 1/4πε0 × 16q² / r², ठीक है। यानी 16 को बाहर ले जाएंगे, 1/4πε0 q² / r², क्लियर हो गई, यानी जो आप करो, और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली यही वाली वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, यानी जब हमने क्या कर दिया, यानी जब हमने चार्ज को कर दिया डबल और रेडियस को कर दिया हाफ, तो फोर्स कितने टाइम्स से बढ़ गया। तो चलिए क्वेश्चन में व्हाट इज द फोर्स, इफ करे फोर्स कितने टाइम से बढ़ गया, 16 टाइम्स से बढ़ गया, यानी फोर्स कितने टाइम से बढ़ गया 16 टाइम्स, यानी F इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 16 × 1616 × 10⁻¹⁵, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा। यानी फोर्स कितने टाइम से बढ़ गया, हमने चार्ज को डबल किया और रेडियस को हाफ की, तो फोर्स हमारा बढ़ गया 16 टाइम्स से। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। चलिए ये अगले क्लास में आगे चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, कह रहे सपोज अ चार्ज स्फीयर ए एंड बी, सपोज चार्ज ए एंड बी इन द अबव क्वेश्चन, तब ये क्या है अबव क्वेश्चन, Having a charge, Q, ठीक है, चार्ज कितना है Q है, ठीक है, placed at a distance of R, ठीक है, ठीक है, कहते हैं कि आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, चार्ज Q है, इफ द थर्ड चार्ज ऑफ सिंगल थर्ड चार्ज ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, ठीक है, पर कैसा हो आपका अनचार्ज हो, ठीक है, इज टच विथ ए, ठीक है, एंड देन टच विथ बी, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इफ इवन चार्ज सी इज टच
विद ए एंड बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये आपके पास दो चार्ज बॉडी है ए एंड बी, दोनों पे चार्ज कितना है क्यू, कह रहे एक थर्ड चार्ज लग रहा है, थर्ड चार्ज हम कहेंगे उसको सी, एक हम थर्ड चार्ज लाए सी, पहले हमने उसको ए से टच किया, ठीक, फिर हमने उसको बी से टच किया, ठीक है, तो क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, मतलब कह रहा क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी व्हेन चार्ज सी इज टच विद ए एंड बी, जब वो ए और बी से टच कर दिया जाएगा तो तब क्या होगा फोर्स, ठीक है, पहले फोर्स क्या रहा होगा, ठीक है, पहले ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या रहा होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही रहा होगा, ठीक, बट देखिए जब हम थर्ड चार्ज लाए, ठीक है, थर्ड चार्ज को हमने इस पे चार्ज क्यों था, हमने थर्ड चार्ज लाया सी, ये ए और ये सी, जब हम थर्ड चार्ज लाया हमने सी से क्या कर दिया उसको टच कर दिया, जब सी से टच कर दिया तो एक चीज क्या होगी, जितना चार्ज इसमें है उसका तो क्या रूल क्या है कंडक्शन का, जब हम चार्ज टच करते हैं तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाते हैं बराबर, यानी दो बॉडी एक चार्ज और एक अनचार्ज दोनों को हम टच करें तो जब तक हीट हो करेंट हो चार्ज हो जब तक फ्लो करेगा तब तक दोनों पे चार्ज क्या ना हो जाए बराबर, यानी इस पर चार्ज क्यू है, कितना चार्ज है इस पर क्यू, तो जब आप इसको टच करके थोड़ी देर बाद हटाओगे तो दोनों ऑब्जेक्ट पे दोनों बॉल पे चार्ज कितना होगा, यानी ए बॉल पर चार्ज आपका हो चुका होगा क्यू बाय टू और सी बॉल भी कितनी हो रही होगी आपकी क्यू बाय टू, ठीक, अब ये जो क्यू बाय टू चार्ज है अब इसको उठा के इस पर टच करना है, इस पर इस पर, तो इस पर आपकी कितना चार्ज है इस बार जो सी बॉल है इस पर चार्ज है क्यू बाय टू और इस पर चार्ज कितना है क्यू, तो इस बार जब चार्ज बराबर होगा कितना होगा ये क्यू प्लस क्यू बाय टू बाय टू, यानी इस पर चार्ज बदल के कितना हो गया, यानी जो आपकी ए बॉल थी उस पर तो चार्ज हो गया आपका क्यू बाय टू, ठीक है, उस पर चार्ज कितना हो गया क्यू बाय टू और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा थ्री क्यू बाय फोर, यही तो होगा क्यू जाएगा तो थ्री क्यू बाय फोर, ठीक है, यानी एक चार्ज आपका क्यू बाय टू आ गया, एक चार्ज आपका थ्री क्यू बाय फोर आ गया, अब दोनों को क्या रखें रख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू इस बार क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय टू इंटू थ्री क्यू बाय फोर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, अब देखिए इसको और लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये देखिए टू है ये फोर है तो क्या मल्टीप्लाई करें, यानी इसको लिख सकते हैं थ्री क्यू बाय एट ये स्क्वायर थ्री क्यू बाई एट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, थ्री बाई एट हम बाहर ले लेते हैं, यानी थ्री बाई एट यानी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय, यानी ये आपका फोर्स था इनिशियल जब बॉडी में कितना चार्ज था क्यू चार्ज था और जब हम थर्ड चार्ज ला करके पहले ए से टच किया, ठीक, तो चार्ज बराबर से बढ़ गया, फिर हमने उसको क्या किया इससे टच किया तो चार्ज कितना हो गया आपका थ्री क्यू बाय फोर, ये चार्ज बदल गया हमारा, यानी चार्ज जब बदल गया रेडियस तो इसकी थी मतलब जो आपका आर था सेपरेशन वो नहीं बदल, यानी जो फोर्स था वो कितने से चेंज हो गया, हम इसको अगर डबल डैश या डैश कह लें, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, यानी फोर्स बदल गया कितने डिग्री कितने से थ्री बाय एट टाइम से फोर्स चेंज हो गया, अब देखिए इसमें सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सेम प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है उसमें वैल्यूज दी हुई है, तो सेम क्वेश्चन में वैल्यूज दी है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने वैल्यूज ली ही नहीं थी, हमने क्या लिए थे जर्नल्स जनरल चीजें ली थी जैसे चार्ज क्यू लिया था ना और ये रेडियस आर ली थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, each of dipole moment P, each
ऑफ डायपोल ईच ऑफ डायपोल मोमेंट ई आर कैप एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री आर कैप एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछ क्या है व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन combination if the system is subjected to the electric field E if the system is subjected to electric field E directed directed along plus x direction what is the magnitude of direction of torque acting on this what is the magnitude and direction of torque acting on it ठीक है हम डायग्राम में देखिए तो ये क्या दिया हुआ आपको देखिए एक आपका डायपोल मोमेंट इस पर दिया हुआ ये एक आपका बॉल है डायपोल और ये डायपोल ये मान लेते हैं ए बी डायपोल है और ये आपका सी बी डायपोल ठीक है ये दोनों डायपोल इनके बीच का एंगल हमको कितना दिया हुआ 120 डिग्री ठीक है हमसे फर्स्ट पॉइंट में पूछ क्या व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा तो देखिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना पी तुम क्या करते हैं इसके लिए रूट पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ थीटा यही फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है अब देखिए टू पी वन पी टू कॉस ऑफ थीटा ठीक है हमको यह फॉर्मूला लगाना है अब देखिए पी वन पी टू तो है नहीं क्योंकि दोनों का डायपोल मोमेंट क्या है बराबर है तो मैं एक ही साथ देख लेते हैं यानी पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा ठीक है थीटा कितना दिया आपको 120 डिग्री ठीक है कॉस तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करते हैं कॉस 120 के तुलना हो जाएगा टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस 120 वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1/2 ठीक है यानी क्या आ जाएगा आपका 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इनटू -1/2 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा यानी 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी p स्क्वायर रूट में यानी जो आपका डायपोल मोमेंट आएगा नेट डायपोल मोमेंट p नेट भी कितना आएगा आपका p यानी जब भी कोई दो डायपोल आपके 120 डिग्री पे रखे होंगे जब भी कोई दो डायपोल आपके 120 डिग्री पर रखे होंगे तो उनके बीच जो नेट डायपोल मोमेंट आया वो कितना आएगा आपका उतना ही आएगा जितना था ठीक है ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई उसके देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा हूँ सेकंड पार्ट में द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ठीक है कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई है ई और एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखो तो फिर हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा यही होता है पी साइन थीटा पी हमको कितना दिया हुआ है वो तो पी ही दिया हुआ है ई आपका ई दिया हुआ है क्योंकि देखिए और साइन थीटा कितना है साइन 120 साइन 120 क्यों जाएगा पी इंटू ई और साइन 120 की वैल्यू √3/2 यानी √3 पीई बाय 2 ये क्या आ गया आपका टॉर्क आ गया ठीक है इतनी बात समझ आ गई ठीक है देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 के
पॉइंट चार्जेस, फोर पॉइंट चार्जेस, फोर पॉइंट चार्जेस क्यू ए टू माइक्रो कूलम, क्यू बी माइनस फाइव माइक्रो कूलम, क्यू सी टू माइक्रो कूलम एंड क्यू डी माइनस फाइव माइक्रो कूलम। ठीक है दियो, आर लोकेशन एक्टा कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। व्हाट इज द ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछे व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ वन माइक्रो कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द। ठीक है, देखिए डायग्राम से समझते, ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, ठीक, और ये क्या उसके डायगोनल। अच्छा आपको बताइए कि स्क्वायर के डायगोनल जहां पर कटते हैं वो सेंटर पॉइंट होता है। यहां पर हमारा क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्ज, यानी ये चार्ज जो आपका वन माइक्रो कूलम है। ठीक है, हम इसको क्यू नॉट बोल देते हैं। यहां पर आपका क्या रखा है, टू माइक्रो कूलम, यहां पे माइनस फाइव माइक्रो कूलम, यहां पर फिर टू माइक्रो कूलम और यहां पर फिर माइनस फाइव माइक्रो कूलम। पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन मतलब ये जो आपका टू नॉट है वन माइक्रो कूलम का, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर ये ध्यान से सोचा जाए तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। अभी कैसे देखिए, इससे देखते हैं, ये आपका माइनस फाइव माइक्रो कूलम, ये आपका माइनस फाइव माइक्रो कूलम और ये क्या है आपका प्लस। तो देखिए ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक, और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ, ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के फोर्स क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये वाला इसको ऊपर रिपेल करेगा, ठीक, और ये वाला इसको नीचे रिपेल करेगा, क्योंकि फिर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आपस में फिर दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा चार्ज क्यू नॉट पे, यानी वन माइक्रो कूलम का जो चार्ज पे कितना चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जीरो, यानी जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा उस पर जीरो होगा। चलिए सॉल्व भी करते हैं इसको, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये आपका ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें अगर ये वाला सोर्स निकालना है तो ये वाली साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राइंगल बी डी सी, तो हाइपोटेन्यूज यानी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, बी सी और डी सी क्योंकि स्क्वायर तो सारी साइड बराबर होंगी। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, यानी यानी 200, ठीक, यानी बी डी स्क्वायर कितना आ गया 200, यानी बी डी कितना आएगा आपका, बी डी आपका आएगा 200 रूट, यानी 10 रूट 2, ये आपका क्या आ गया बी डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फोर्स निकालते हैं, हमें नेट फोर्स निकालना है, तो पहले क्या निकाले, फोर्स ओ डी, हम फोर्स ओ डी निकालते क्या आएगा, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्यू वन कितना है माइनस फाइव माइक्रो कूलम, ठीक है, माइनस के फोर्स है तो क्या नहीं लेते हम, फोर्स है तो उसमें मैग्नीट्यूड नहीं लेते, ठीक है, प्लस सॉरी डेरिवेटिव करें वो चार्ज का, वो नहीं लेते चार्ज पे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इनटू वन माइक्रो कूलम अपॉन
ओडी। अब देखिए ये कितना आया 10√2, यानी हाफ की ये पूरी लेंथ हमें कितनी आ गई 10√2, तो आधी कितनी आएगी 5√2। एक मिनट यार 110 माना कि आपका क्या चलेगा 5√2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आपका 5√2। ठीक है, तो एफ आपका ओडी आ गया और एफ हम ओबी निकालेंगे, तो एफ ओबी भी क्या आएगा 4 pi epsilon naught into minus 5 microcoulomb 1 microcoulomb 5√2। ठीक है, और एफ आपका ओसी कितना आएगा 1/4 pi epsilon naught into 2 microcoulomb into 1 microcoulomb upon। ठीक है, अब देखिए अगर हमने इसको ये इसको रिपेल करेगा उधर और ये इसको रिपेल करेगा इधर, अगर हमने इसके वाले फोर्स को लिया पॉजिटिव, इसके वाले क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, अगर हमने ये पॉजिटिव ले लिया तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए अगर हम एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे एफ ओडी प्लस एफ ओबी प्लस एफ ओए एफ ओडी ओबी प्लस एफ ओसी। ठीक है, सारे फोर्स हम लिखते हैं यानी 1/4 pi epsilon naught 5 microcoulomb into 1 microcoulomb upon 5√2 plus 1/4 pi epsilon naught into ये माइनस में आएगा माइनस 5 microcoulomb into 1 microcoulomb upon 5√2 plus 1/4 pi epsilon naught 2 microcoulomb into 1 microcoulomb upon 5√2। ये प्लस आएगा क्या माइनस, क्योंकि माइनस है ना, यानी 1/4 pi epsilon naught 2 microcoulomb into 1 microcoulomb upon 5√2। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, यानी एफ नेट आपका कितना आ गया 0, यानी जो आपका सेंटर वाला ब्लॉक उसके कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो फिर यहीं पे आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगली बार हम कैपेसिटर्स पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।